घाघरा थाना क्षेत्र के बद्री मैदान में सामाजिक व राजनीतिक संगठनों की संयुक्त बैठक रविवार को आयोजित की गई। समाज को संगठित करने को लेकर कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को बहला फुसला कर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा भगा ले जाने का मामला एवं आदिवासी स्कूली छात्रा से छेड़खानी के मामले को बैठक में रखी गई। आज घाघरा प्रखंड के बद्री गांव में एक सामाजिक बैठक रखी गई है, जिसमें बार बार मुझे दूरभाष के माध्यम से बताया जा रहा था कि एक सामाजिक बैठक है। इस सामाजिक बैठक का मूल उद्देश्य यही रहा है कि आए दिन हमारी बेटी बहनों को विद्यालय जाने के समय में छेड़छाड़ करना और एक विशेष समुदाय के द्वारा हमारे समुदाय के बच्चियों को ले जाना उदाहरण होगा और यहाँ से पूरे झारखंड में हमारे आदिवासी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, इन चीजों को लेकर के बैठा गया है। और इस बैठक में निर्णय होगा, प्रस्ताव पारित होगी और अंशस्था उसको लागू भी करेंगे हम लोग। मैं रामावतार भगत, एसटी मोर्चा महामंत्री, गुमला जिला। बोलिए, आज बद्री के खेल मैदान में एक सामाजिक मीटिंग हुई। इस सामाजिक मीटिंग में महिला पुरुष और गुमला, लोहरदगा, घाघरा, सिसे तमाम जगह से आए और घाघरा प्रखंड के खासकर पूर्वी क्षेत्र के जितने भी पंचायत के सभी जगह से प्रतिनिधि के तौर पर लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में विशेष आज मुद्दा था कि यहाँ की एक बहन जो थी, जो नाबालिग है, जिनको एक गैर समुदाय का जो युवक है उनके द्वारा भगा के ले गया था और ऐसे हालत हो रही है, इस पर प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है और ऐसे तत्वों से हमारा समाज का क्या सुरक्षा होगा, कैसे जवाब देंगे, इस पर विशेष करके बातें हुई। और फिलहाल हमारे समाज का लोगों के साथ एक बेटी बहन को लेकर पंचायत चुनाव हो या विधानसभा में उस सीट से उनको छीन रहा है, इस पर हमला हो रही है, इसकी सबसे बड़ी चिंता पर गहन विचार विमर्श किया गया और इस बात को पूरे प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में भी आदिवासी समाज के साथ जो हमला हो रहा है, जिसके मैंने एकजुटता करने के लिए, संदेश देने के लिए हम लोग आज विशेष तौर पर निर्णय लिए। बद्री मैदान में एक सामाजिक बैठक हुई। इस बैठक में समाज के लोगों ने यही विचार विमर्श किया कि किस प्रकार जनजाति समुदाय की बहनों के साथ, बालिकाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रहा है, तो हम अपने बहनों की रक्षा और सुरक्षा और अपने समाज की सुरक्षा किस प्रकार करें, इस विषय को लेकर चिंतन मंथन हुआ। साथ ही साथ वैसे अपराधी जो हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कानून उनको जल्द से जल्द पकड़ने का काम करे, दोषियों को सजा देने का काम करे, यही हमारा प्रशासन से, पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार से यह मांग है। और यदि हमारे समुदाय के किसी भी लोगों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो जनजाति समुदाय चुप नहीं बैठेगा, सरकार के खिलाफ हो या प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।